से जा रहे हैं एक टाइल शॉप को एक्सप्लोर करने, जो है आलमबाग में। तो इस चैनल पे बने रहिए, इसका नाम है नवाबी शॉप। हेलो दोस्तों, नवाबी शॉप में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज वहाँ मैं गया था, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देना चाहता हूँ। आज मैं गया था एक शॉप पे जो आलमबाग में है। उन्होंने बताया कि ये उनका पुश्तैनी काम है, लगभग 3 पीढ़ी से वो ये काम कर रहे हैं। हालांकि जैसे कि हमने ये चैनल चालू किया था इस ये सोच के कि पतंगबाजी को हम लोग और ऊपर उठाएंगे, लॉकडाउन में जो इसमें तेज़ी आई है उसको हम लोग और ऊपर लेके जाएंगे, तो ऐसा ही कुछ हुआ। जो आज मैं जिनसे मिला, उनका पुश्तैनी काम तो था, लेकिन क्योंकि हम लोग इस शौक को बहुत दिनों से छोड़ दिए थे, बहुत सारे ऐसे पतंगबाज थे जो ये शौक नहीं कर रहे थे हम, लेकिन लॉकडाउन में फिर से इसमें उठा तो वो लोग फिर से चालू कर दिए ये शौक पूरा करना। तो वैसे ही उनकी शॉप भी थी जो मंदिर से एकदम लगी हुई शॉप है, और उन्होंने ये काम लगभग बंद कर दिया था और मंदिर का काम करने लगे थे, जो भी पूजा की सामग्री होती वो सब बेचने लगे थे। लेकिन लॉकडाउन में वापस जब ये शौक वापस आया तो इन्होंने वापस से अपना कलेक्शन डाला है, और उनका कलेक्शन भी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। दुकान तो छोटी थी पर उनका जो स्टॉक था वो पूरा मेंटेन था। जैसे कि मैं भी गया था उनके पास, तो मैंने विक्टर की 4 नंबर की सद्दी भरवाई है उनसे, जो मैंने बताया था आपको, जो मोटी होती, खींचने में बहुत आसानी से खींचती है, और मैं ये एक टेप लेके आया था उनके यहाँ से, तो मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं सामान लिया। बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आगे इस दुकान की पूरी डिटेल है। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ जो मैं आप लोग से चीज़ें मैंने लिखी है, जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे, तो मैं आप लोग को बता दूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। जैसे कि पहला बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कि मंजा कौन सा अच्छा होता है, दूसरा सस्ती पतंग कहाँ मिलेगी, तीसरी सद्दी पे वीडियो बनाई है जिसमें 4 नंबर विक्टर, 6 नंबर 8 नंबर टून कृष्णा, इन सब के बारे में डिटेल्स दीजिए, सामने वाला खींच के लड़ाता है और मेरी काट देता है पतंग, इस पर भी आप बनाइए, मंजा कहाँ से लें एंड प्राइस कहाँ पे सस्ता मिल सकता है, पतंगों के साइज़ के बारे में बताइए। और ये पतंगों के साइज़ अधिकतर मेरे चेन्नई वाले दोस्त पूछते हैं, सो लेट मी एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश, दे वांटेड टू नो द साइज़ ऑफ द काइट्स विच आर अवेलेबल इन यूपी एंड बरेली, यूपी आई मीन टू से इन लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद एंड रामपुर, सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट सून। एंड 7वां क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, सस्ती पतंग और महंगी पतंगों में फ़र्क क्या है, तो फ्रेंड्स ये सब हैं, और बाकी आप लोग और भी जितने दोस्त हैं मेरे, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे और क्वेश्चन मिल सकें, और इन पे जल्दी ही मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक और चीज़ है दोस्तों जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहता था, देखिए हम लोग की फ़ैमिली धीमे धीमे बड़ी हो रही है, मतलब फैमिली इन द सेंस यूट्यूब फैमिली, तो आप लोग की मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू। आप लोग अगर किसी बात को लेकर टेंशन में हैं या किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, ठीक है। आप लोग कहीं भी इधर उधर ना बता के अगर मुझसे शेयर करना चाहें तो मुझसे आप लोग शेयर कर सकते हैं वो चीज़ें, और मैं आपको बहुत अच्छा सजेशन दूंगा, और नहीं दे पाऊंगा तो कोई बात नहीं, आपसे कुछ बात होगी तो अच्छा लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग ये वीडियो देखिए जो मैंने बनाया है, और अच्छा लगे तो बताइएगा, नहीं अच्छा लगे तो भी बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करिएगा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो पाए, मैं और भी लोगों के क्वेश्चन डाउट क्लियर कर पाऊँ, तो देखिए ये वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग ने जो वीडियो बनाया था रकाबगंज का, जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आया था, उसका थर्ड पार्ट अभी बचा है आने के लिए,
लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनके पास सामान नहीं आ पाया, इसलिए अभी वो वीडियो नहीं बन पाया है। जल्दी मैं वीडियो बना के आप लोग को अपलोड करूँगा। तब तक आप लोग ये आलमबाग की दुकान का एक वीडियो इंजॉय करिए। अनमोल गया चाय मना कर दे, अनमोल गया चाय मना कर, तू आ जा, आ तू ना मना कर, अभी वो आएगा। ये पौने सब एक ही रेट के हैं कि अलग अलग है? एक ही रेट। क्या रेट है? ₹15 है। लोकल कारीगर या बरेली वाले? नहीं, ये लोकल कारीगर, बरेली की अलग उस पे मुहर लगी है। बैग भैया कौन कौन से हैं? बैग मेरे पास एक ₹280 का है, ये वाला एक, हाँ एक बड़ा बैग है वो ₹425 का। उसमें कितनी आ जाती होंगी? उसमें 600-700 पतंगे आ जाती हैं, 300 इसमें आ जाती हैं। ये नीचे रखी जो भी है कौन कौन सी है? ये अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। दोस्तों इनकी बहुत छोटी दुकान है पर बहुत ही ज़्यादा सामान है इनके पास, आप देख रहे हैं। ये देखिए सर्दी सर्दी भरी हुई है, तो मंजे के पास एनआर के है, पांडा है, और भी देखते हैं कि इनके पास क्या क्या है। मंजोली के लिए क्या रेट पे आती? ₹8। ये बरेली की है सर? ये रामपुर की है। रामपुर और लोकल वाली जो आप बता रहे थे, लोकल वाली जी जी ज़्यादा कर रहा है। ये क्या रेट है भैया? इसमें अच्छी वाली जो है वो ₹6 की, वो नीचे दबी हुई है। अच्छा हाँ, चलिए कोई नहीं। मंजोली मतलब ₹5-6 में, ठीक है। अभी आपने ₹8 वाली दिखा दी, और कोई दिखा दीजिए। एक ₹10 में है भैया, दबी है ये हमारे कारीगर की। अच्छा, ₹7 की अभी, ठीक। मतलब अगर होलसेल पे लेंगे तो कुछ हो जाएगी गुंजाइश है? सारी पतंगों में केवल मंजोली में? सब में, ठीक है। चरखी ये बता दीजिए आपकी रील की, पूरे 12 फिरकी में है, 6 फिरकी में और छोटी भी है? 12 में भी, 6 में भी है, और क्या कहते हैं 3 वाली भी है। 12, 6, 3। और कौन कौन से है? एनआर के काला बिच्छू है, एनआर के है, साकिर स्टार है, यासीन छुटका है, और सहनसा है। बहुत रीले सानू चंद भी दिख रहे हैं हमको। हाँ, सानू चंद भी दिख रहे हैं, और अली लोकल है यहीं के। हम बता दे रहे हैं आप 25 तारीख को आएंगे तो हम ढंग से खुद बनवा लेंगे, बहुत अच्छा कायदे से। और जिलानी लानी की भी है? जिलानी समय नहीं। अच्छा, कौन एक बेग है अपने, नासिर बेग है? हाँ हाँ, सबसे इस समय नंबर टॉप पे चल रही है यासीन छुटका। हाँ, वाईकेसी तो बहुत ज़्यादा चल रही है, वाईकेसी की कहीं दिख जाए तो एक निकाल लाइए। हाँ भैया, वाईकेसी से भी अच्छा जो है ना, आसमान का तूफान काला बिच्छू। ये क्या रेट पे है भैया? ये है शब्बीर बैग। शहनशाह बता दिया, यासीन छुटका, यासीन छुटका भी 1800। ये बिच्छू, बिच्छू जो है बिच्छू मिलेगा 2200।
ये शब्बीर बैग ये मिलेगा आपको 1500 रुपये। और ये मिलेगा आपको 1600 रुपये। अच्छा, इनमें भी कुछ हो जाएगा अगर कोई आए तो? हाँ, ठीक 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 है भैया, रख लीजिए इसको। ये बताइए सद्दी, अपने पास विक्टर है, कृष्णा दिख रही है, किसान एक है, हाई फ्लायर है, तीन चार। अच्छा, विक्टर में कलर्ड वाली भी है। और एक जो टून आता है वो टून ही सही है, ये जो होता है इसी टून को। हाँ, इससे भी अच्छा, ये उससे मोटी भी है शायद। बस बस बस, ज़्यादा ना निकाली भैया, रहने दिया हम पिछली। ओके, भगा दे कि रह दे। हाँ, भगा दे। हम बिना मास्टर को ही चलो। ऐसा हट जा, हट जा। ये लगाइए, ये ओरिजिनल चीज है, मजा है। पिक्टर 500 ग्राम। ये चार नंबर से थोड़ी महीन है ना? ये 200 ग्राम में ओरिजिनल। ये कितने की? ये देते हैं हम लोग 80 रुपये। और ये 500 ग्राम वाली विक्टर? कौन सी? ये 250। 200 ग्राम, 400 ग्राम? कौन सी विक्टर में? 230। अच्छा, 20 रुपये का फ़र्क है दोनों। हाँ, निकाले थे वो कितने की है? तो भैया 4 रुपये की पतंग, अगर कोई सैकड़ा लेता तो 370। इससे छोटी भी आती है कोई? हा? इससे छोटी भी आती है कोई कि लास्ट ये है? नहीं, इससे साइज बहुत आती है। नहीं, रेट क्या है स्टार्टिंग है पन्नी वाली पतंग का? 2 रुपये से पतंग स्टार्टिंग है। 2 रुपये से स्टार्टिंग है, ये 5 रुपये तक की जाती है। 370 तक की। बिल्कुल डोर में जो मोहर होती है वो वाली डोर है, नंबर एक की। बजान भी चाहिए लगाने, तुम बोल के दिखाएंगे तुम्हारा वैसे ही दिमाग खुल जाएगा कि चीज क्या है। ये सब चाय की दुकान है, बहुत बड़ा शौकीन है। अरे भैया वही कह रहे ना, लॉकडाउन में वापस आया है, वरना सब भूल गए थे पतंगबाजी क्या होती है। ये टेप आपके पास है? टेप कौन कौन सी, किस रेंज में है? टेप भी 10 रुपये का है, 10 रुपये का है, 5 रुपये का है। भैया RDSO में बहुत बड़े अधिकारी हूँ, अपनी लड़की को पतंग लगवाते हैं कहीं, क्या कहते हैं, दिन भर क्या कहते हैं, मोबाइल और पबजी, इन सब से कम कुछ तो बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं। नहीं भैया, वो सबसे अच्छा है अगर वो कर ले आदमी। हमको उनकी बात बहुत अच्छी लगी यार, कि अपनी लड़की को पतंग लगवा रहे हैं, ले जाते हैं उसके लिए। इसमें की भैया एक मेरे लिए वाली निकाल दीजिए, ये लो, ये पिंक कलर का जो है, बाकी इनको चाहिए होगा। अब दुकान का आपको लैंडमार्क बताइए और इसको बताइए कैसे पहुँचे आदमी। आलमबाग चौराहे से RDSO की तरफ, ये वाली, यानी पिंक वाली, इससे इसके बगल वाली, ये आलमबाग चौराहे से दुर्गा शक्ति मंदिर, ये दुर्गा शक्ति मंदिर है, दुर्गा शक्ति बस इसके बगल में है। नाम तो लिखा हुआ नहीं है कुछ ना? बाबा पूजन भंडार। बाबा पूजन भंडार, ये लगवाया था ना तो हट गया वो। बाबा पूजन भंडार। और नंबर बता दी अपना? बाबा काइट सेंटर भी आप डाल दी, बाबा काइट सेंटर डाल, बाबा काइट सेंटर, चलिए नंबर मैं ऐसे डाल दूंगा। चलिए 9305252475।